नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज के बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जाखू में रावण दहन, CM ने रिमोट का बटन दबाकर जलाया रावण। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में परंपरा के अनुसार रावण दहन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। यहां पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि हिमाचल एक देवभूमि है, यहाँ त्योहारों की परंपरा है। अधर्म पर धर्म की विजय के इस पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शांति, सौहार्द, विकास की कामना की। ऐतिहासिक पड्डल मैदान में जलाया रावण का पुतला, देखने उमड़े हजारों लोग। पूरे भारत में विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया और साथ ही अधिकतर स्थानों पर बुराई का प्रतीक माने जाने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया गया। इसी कड़ी में छोटी काशी मंडी में भी रावण दहन पड्डल मैदान में किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक इस त्यौहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और खासकर छोटे बच्चों ने भी हमेशा सत्य, धर्म और अच्छाई की राह पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान DC मंडी अपूर्व देवगन ने परिवार सहित विधिवत पूजा अर्चना कर तीर मारकर दुष्ट रावण को आग के हवाले कर उसका अंत किया। कुछ ही देर में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले जलकर राख हो गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूकंप के झटके, 3 थी तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 3 थी और यह दोपहर 3:32 पर कल आया। भूकंप का केंद्र हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू चीड़गांव का खासा धार में था। फिलहाल किसी तरह से जानमाल की हानि की खबर नहीं आई है। हिमाचल के राज्यपाल भड़के, जगत सिंह नेगी के चीन के ड्रोन दिखने वाले बयान पर की तल्ख टिप्पणी। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के बॉर्डर क्षेत्र में ड्रोन देखे जाने वाले बयान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तल्ख टिप्पणी की है। राज्यपाल ने कहा कि मंत्री का बयान औचित्यहीन है, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार सीमाओं की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर रही है, किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं कि भारत की ओर देख सके। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि किन्नौर जिले में इंडो चीन बॉर्डर पर चीन के ड्रोन बार बार भारत की सीमा में मंडरा रहे हैं। केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां मौके पर तैनात हैं, उन्हें भी इस बारे में जानकारी है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। नेगी ने दावा किया कि किन्नौर के शिपकी और पूह ब्लॉक के सामने ऋषि डोगरी के ऊपर स्थानीय लोगों ने चीन के इन ड्रोन को देखा है। पहले भी किन्नौर में कई बार चीन के ड्रोन देखे गए हैं। संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नहीं तोड़ा अवैध निर्माण तो नगर निगम हटवाएगा, खर्च भी वसूलेगा। शहर की संजौली मस्जिद में बनी 3 अवैध मंजिलें गिराने के आदेशों की कॉपी नगर निगम प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को भेज दी है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में लिए फैसले के अनुसार संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मस्जिद कमेटी की ओर से किया गया है। ऐसे में मस्जिद कमेटी को ही इसे गिराना होगा। इसे गिराने का खर्च भी खुद मस्जिद कमेटी को ही वहन करना है। यदि तय समय अवधि में अवैध निर्माण नहीं टूटता है तो नगर निगम इसे तोड़ेगा, इसका खर्च मस्जिद कमेटी से लिया जाएगा। 5 मंजिला मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिल गिराई जानी है। 2 महीने के भीतर इन आदेशों की अनुपालना करनी होगी। मौके पर की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट भी अगली सुनवाई को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में देनी होगी। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की गई है। ऑनलाइन खरीदारी पर छूट से ग्राहक मौज में, शहर के कारोबारी मायूस, कारोबारियों ने भी निकाले हैं ऑफर। त्योहारी सीजन के बीच राजधानी के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी लगभग खाली बैठे हैं। कपड़े, जूते, वाहन कारोबार की तरह इनका काम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। ऑनलाइन शॉपिंग में मिल रही भारी छूट ने खरीदारों को इनकी दुकानों से दूर कर दिया है। हालत यह है कि शहर में TV, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान की ज्यादातर दुकानों पर स्टॉक तो भरपूर है, लेकिन इनमें ज्यादा ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे। कारोबारियों को चिंता सता रही है कि दिवाली तक सामान बिक पाएगा या नहीं।
ऑनलाइन शॉपिंग पर मिल रही भारी छूट से लोगों की मौज है। त्योहारी सीजन के बीच ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां सेल लगा रही हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर सबसे ज्यादा छूट और ऑफर है। इससे लोगों को बाजार से सस्ती कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिल रहा है। यही नहीं, इनकी होम डिलीवरी फ्री होने से भी ग्राहक फायदा ले रहे हैं। शहर में शॉपिंग के बाद सामान को घर पहुंचाना भी बड़ी परेशानी रहती है। इसे देखते हुए ग्राहक घर बैठकर न सिर्फ छूट पर सामान ऑर्डर कर रहे हैं बल्कि फ्री डिलीवरी का भी फायदा ले रहे हैं। सामान पसंद न आने पर इसे एक्सचेंज करना भी आसान है। इसका शहर के कारोबारियों को घाटा हो रहा है। ग्राहकों को लुभाने और ऑनलाइन शॉपिंग को टक्कर देने के लिए शहर के कारोबारियों ने भी कई आकर्षक ऑफर निकाले हैं। बाजारों से सटे इलाकों में फ्री डिलीवरी की सुविधा भी खुद कारोबारी दे रहे हैं। टीवी, मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक्स के बाकी सामान की खरीदारी पर गिफ्ट पैक भी दिए जा रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग पर कई बार घटिया गुणवत्ता का सामान मिलता है। दुकान पर लोग देख परख कर सामान ले सकते हैं। खराबी आने पर दुकानदार से शिकायत भी कर सकते हैं और सामान भी आसानी से बदल सकते हैं। कई दुकानदार किस्तों पर फाइनेंस की सुविधा दे रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदे सामान में खराबी आने पर उसे वापस करना मुश्किल रहता है, इसलिए ग्राहक दुकानों का ही रुख कर रहे हैं। कर्मचारियों की मीठी दिवाली, इस दिन मिलेगी सैलरी और पेंशन। दूसरे कर्मचारियों की तरह एचआरटीसी के कर्मचारियों की दीपावली भी मीठी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी के स्थापना दिवस पर कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। इन कर्मचारियों को भी इस महीने 28 अक्टूबर को ही वेतन दे दिया जाएगा, वहीं पेंशन की अदायगी भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि एचआरटीसी कर्मचारियों का नाइट ओवर टाइम जो कि 55 महीने से दे है 31 मार्च 2025 तक निपटा दिया जाएगा। सरकार दिसंबर महीने तक अदायगी के लिए एचआरटीसी को 50 करोड़ रुपए देगी और 31 मार्च तक कुछ पैसा एचआरटीसी से लेकर पूरी अदायगी सुनिश्चित कर दी जाएगी। कुल 97 करोड़ का नाइट ओवरटाइम ड्यू है। इससे कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके साथ यह घोषणा भी की गई कि सभी कर्मचारियों व पेंशनरों का मेडिकल रिइंबर्समेंट का पैसा जिसके लिए 9 करोड़ रुपए चाहिए वो सरकार एकमुश्त प्रदान करेगी और 2 महीने में लंबी देनदारी चुकता कर दी जाएगी। शनिवार को पीटरहॉफ में एचआरटीसी के 50 वर्ष पूरे होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह सभी घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में एचआरटीसी को सरकार 1500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए वित्तीय मदद देगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में बस अड्डों का निर्माण सरकार द्वारा किया जाएगा और एचआरटीसी को वहां पर बसें खड़ी करने के लिए किराया देना होगा। त्योहारी सीजन के दौरान सिविल ड्रेस में असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे पुलिस कर्मचारी। इस वर्ष के त्योहारी सीजन के शुरू होते ही हमीरपुर जिला पुलिस ने हमीरपुर शहर समेत जिले के तमाम कस्बों और क्षेत्रों में अपनी मुस्तैदी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जिले के भीड़भाड़ वाले सभी बाजारों में चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाए रखने के लिए पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में भी तैनात रहकर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। बाजारों में खरीदारी करने आई महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। इसके साथ शाम और रात्रि गश्त भी बढ़ाई जाएगी ताकि असामाजिक तत्व किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सकें। इसके साथ ही हमीरपुर शहर के मुख्य बाजारों में पुलिस की अतिरिक्त चौकसी बढ़ेगी। हमीरपुर शहर समेत जिले के सभी क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस का विशेष ध्यान रहेगा। इसके अलावा अवैध नशे के कारोबारियों पर पुलिस विशेष नजर रखेगी। दशहरा उत्सव की शोभा बढ़ाने लाल लश्कर के साथ कुल्लू रवाना हुई माता हिडिम्बा। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की शान बढ़ाने मनाली घाटी की आराध्य देवी एवं कुल्लू राजवंश की दादी माता हिडिम्बा देवी शक्तियों संग सैकड़ों कारकुनों व देवलुओं सहित कुल्लू रवाना हुई। इस बार माता के साथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही। मंदिर परिसर से लोक निर्माण विभाग के कार्यालय तक हजारों श्रद्धालुओं ने माता हिडिम्बा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। भक्तों ने जगह जगह माता का स्वागत किया। वहीं कुछ जगहों पर माता के भक्तों ने देवलियों व कारकुनों को भी प्रसाद भी बांटा। शनिवार सुबह ही माता हिडिम्बा का ढोंगरी प्रांगण देव वाद्य यंत्रों की धुन से गूंज उठा। सुबह 8 बजे तक मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित हो गए। इस बीच श्रद्धालुओं व कारकुनों द्वारा आराध्य देवी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। माता ने ढोंगरी और मनाली बाजार के दुर्गा मंदिर प्रांगण में गुर के माध्यम से दशहरे में सब कुछ ठीक रहने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत में गुर ने कहा कि दशहरे की शोभा बढ़ाने माता हिडिम्बा देवी शक्तियों के साथ रवाना हुई हैं। उन्होंने कहा कि माता हिडिम्बा के आशीर्वाद से दशहरे में सब ठीक रहेगा। लोक निर्माण विभाग मनाली के अधिशासी अभियंता अनुप शर्मा ने माता हिडिम्बा का स्वागत किया और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। माता हिडिम्बा के कारदार रघुवीर नेगी ने बताया कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार
माता रात्रि विश्राम रामशिला में करेंगी। रविवार सुबह भगवान रघुनाथ के छड़ी माता हिडिम्बे को लेने रामशिला के हनुमान मंदिर आएंगे। हिडिम्बा माता के कुल्लू पहुंचते ही अंतर्राष्ट्रीय दशहरे की शुरुआत हो जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।